एक बार फिर से स्वागत है आपका जेके मीडिया में। हम दिक्कतें चाहे जितने भी गिना दें आपको, लेकिन दिक्कतें जो है वो कम होने का नाम ही नहीं लेती। जी हाँ बिल्कुल, मैं आपको ये अपडेट करना चाहता हूँ कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा में, और अगर इस नेशनल हाईवे की बात करें तो मैं काफ़ी सारी अपडेट के साथ आपके साथ हाजिर होता हूँ। यानी कहीं ना कहीं मैं ये कोशिश करता हूँ कि क्या दिक्कतें हैं जो पब्लिक को फेस करनी पड़ती है, राहगीरों को फेस करनी पड़ती है, और उन्हीं दिक्कतों को लेकर मैं आपके सामने हमेशा हाजिर होता हूँ। और आज मैं जिस अपडेट के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूँ, कैप्शन आपने पढ़ लिया होगा, स्ट्रे एनिमल्स यानी आवारा पशु, कितना इनकी वजह से एक्सीडेंट का जो मेन कारण है वो यही वजह है। आजकल नेशनल हाईवे पर इतने ज़्यादा आवारा पशु हो गए हैं कि आप खुद देख सकते हैं कि पीछे यहाँ पर मेरे पीछे भी यहाँ पर आवारा पशु यहाँ पर आपको दिखेंगे। और थोड़ा सा अगर मैं पैन करके आगे से बताऊँ तो वहाँ पर आगे घोड़े भी आपको दिखेंगे इस जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर। और मैं साइड पे भी आपको दिखाना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जानवर जो है वो दिन ब दिन इस नेशनल हाईवे पर बढ़ते जा रहे हैं। और दुर्घटना की बात करें तो मेन रीज़न जो है दुर्घटनाओं का, एक्सीडेंट का मेन कारण ये भी निकल के सामने आ रहा है, लेकिन इस पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, कोई नेसेसरी एक्शन नहीं लिया जा रहा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये म्यूनसिपल कमेटी सांबा का भी इसमें एक रोल माना जाता है, यानी उसका भी ये फ़र्ज बनता है कि यहाँ पर जितने भी आवारा पशु हैं उन्हें यहाँ से शिफ्ट कर किसी सेफर प्लेस पे पहुंचाया जाए, लेकिन आज तक किसी भी अथॉरिटी ने इस पर एक्शन नहीं लिया, और ये भी एक फेलियर माना जाता है एडमिनिस्ट्रेशन का। जी हाँ, मैं बिल्कुल इस वक्त मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूँगा कि ये नेशनल हाईवे पर जानवर जो हैं ये एक दुर्घटना का मेन कारण है। और नीचे यहाँ से 200 मीटर आप नीचे भी चले जाओगे तो मैं स्क्रीन पर मैं कोशिश करूँगा थोड़ा दिखाने की कि यहाँ पर भी आगे कुछ जानवर आपको दिखेंगे जो मेन कारण है एक्सीडेंट्स का। आज की डेट में क्या क्या दिक्कतें हैं पब्लिक को फेस करनी पड़ती है इसकी वजह से, क्योंकि अगर कोई गाड़ी क्रॉस यहाँ से निकल रही है, जानवर कोई क्रॉस होता है, तो जानवर जब जगदम आ जाता है तो ब्रेक लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और दुर्घटना हो जाती है। यानी इन दुर्घटनाओं को होने से बचाया जा सकता है अगर एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कोई एक्शन ले और इन जानवरों को यहाँ से शिफ्ट करके सेफर प्लेसेस पे पहुँचाए। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या क्या दिख रहे हैं, क्योंकि ये भी कुछ ऑटो चालक हैं यहाँ पर, ये पूरा दिन इस नेशनल हाईवे पर रहते हैं, इनको पता है कि क्या क्या दिक्कतें हैं इन जानवरों को लेके इस जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नायब सरपंच सरवण सिंह जी। क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर जब जानवरों की बात आती है इस नेशनल हाईवे पर? काफी जानवर यहाँ पर देखे जा रहे हैं जो मेन कारण है आज की डेट में दुर्घटना का, यानी रोड एक्सीडेंट कभी भी हो जाता है इन जानवरों की वजह से, क्या कहना चाहते हैं? सर देखो, ये यहाँ के लोकल लोग हैं जो इन्होंने पशु रखे हुए हैं, ये पशु दूध निकालते हैं गाय का और सुबह ही छोड़ देते हैं। बाद सुबह हम 6-7 बजे इधर आते हैं और शाम 8 बजे तक ये पशु जो रोड पे ही रहते हैं। कुछ तो ऐसे आ रहे हैं जिनको इनका बेनिफिट नहीं है, वो रोड पे रहते हैं। रात को कई बार स्कूटर छोटी गाड़ी है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो और साथ में जो बड़ी है तो बड़ी ब्रेक लगाएगी, तो काफ़ी बार जो है जो जहाँ पे दुर्घटना हो चुकी है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन उन पर भी लगाम कसे, जिन लोगों ने जो पशु रखे हुए हैं और अपना बेनिफिट लेके जो इनको बाहर छोड़ देते हैं। और दूसरा ये है कि ये जो म्यूनसिपलिटी है उन्होंने भी थोड़ी बहुत कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो गौशाला गवर्नमेंट ने कहीं साइड पर गौशाला खोलें। हिंदू ऐसे तो बोलते हैं हिंदू जो हमारी गौ माता है, मगर जब ये रोड पे देखते हैं किसी की टांग फ्रैक्चर हो जाती है, किसी का कुछ हो जाता है, कोई इसको उठाने वाला कोई नहीं है। कुछ बार जो रोड पे गाय मर जाती है, इतना जुल्म देखते हैं, मगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन उस पर कुछ किस्म का भी वो डिसीजन नहीं लेती है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो पशु रखे हैं उन पर भी काम की कसी जाए, उनकी वेरिफिकेशन की जाए किन लोगों ने जो बेनिफिट लेते हैं और इनको सुबह खोल के बाहर रोड पे भेज देते हैं। तो इसलिए हम दोबारा गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि एक तो ये है कि दुर्घटना का भी होगा, दूसरा हमारा हिंदू धर्म है, हमारी गौ माता है, उनकी भी रक्षा होगी कि कहीं जो है जो शेड गौशाला बनाई जाए तो जो हमारा गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होगा और पब्लिक को भी सुविधा होगी। इसलिए हम यही बार बार आपको ये सजेशन देते हैं कि पहला तो जिन्होंने रखे हैं उन पे भी एक्शन लिया जाए, और दूसरा अगर गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत भी उन लोगों को पनिशमेंट जुर्माना किया जाए ताकि ऐसा वो दोबारा ना करें। चलिए, क्या नाम आपका?
सर मेरा नाम है सऊदी सिंह। आप पूरे दिन यहाँ पर रहते हैं, कितने अगर कुछ दिनों की बात करें तो कितने एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं इन जानवरों की वजह से, जो पूरा दिन यहाँ पर सड़कों के बीचों बीच होते हैं और कहीं ना कहीं गाड़ी का शिकार बन जाते हैं या गाड़ी वाला शिकार बन जाता है क्योंकि जगदम कई बार जानवर बीच में आ जाता है, तो क्या कहना चाहते हैं फिर, कितना फेलियर है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का? सर हम रोज देखते हैं कि आए दिन गाड़ियाँ आती हैं, पशु जो बीच में आ जाते हैं उनसे टक्कर होती है। कल भी हमने जहाँ से एक टक्कर हुई उसको उठाकर हमने साइड पे लिया, उसको फर्स्ट एड दिया, तब जाके वो ठीक हुई। हम एडमिनिस्ट्रेशन ये कहना चाहते हैं कि इसके बारे कोई कार्रवाई की जाए जिससे पशुओं का कोई नुकसान ना हो और इनको कहीं जैसे शिफ्ट किया जाए, हम एडमिनिस्ट्रेशन यही करना चाहते हैं। चलिए, कहीं ना कहीं ये ऑटो चालक हैं, ये पूरा दिन यहाँ पर इस नेशनल हाईवे पर रहते हैं। ये मेन चौक मेरे से पीछे आप देख रहे हैं और पीछे जानवर भी आप देख सकते हैं कि सड़क के बीचों बीच यहाँ पर जानवर बैठे हुए हैं और दूर तक की नज़र मैं घुमाऊँ तो वहाँ पर भी जानवर हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन आज तक बिल्कुल इस पर कदम कोई लेने पर मतलब कहीं ना कहीं चुप करके बैठी हुई है। बिल्कुल यहाँ पर कोई किसी तरह का कोई नेसेसरी स्टेप नहीं लिया जा रहा। यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि कितना रिस्क है एक्सीडेंट को लेकर, क्योंकि एक्सीडेंट जो है वो यहाँ पर मैक्सिमम टाइम देखा जाता है कि जानवरों की वजह से हो रहा है। जी, क्या नाम है आपका? सर MP संभ्याल जी। क्या दिक्कतें हैं अगर हम बात करें, ये नेशनल हाईवे पर आप जानवर देख रहे हैं, कितनी दिक्कतें हैं इन जानवरों को लेकर और मैक्सिमम टाइम एक्सीडेंट का मेन कारण ये जानवर निकलकर सामने आते हैं और कहीं ना कहीं मेन गाड़ी की हम बात करें, गाड़ी भी इसके साथ हिट हो जाती है और कहीं ना कहीं एक दुर्घटना हो जाती है, क्या कहना चाहते हैं, कितना फेलियर है सरकारों का इसमें? सर सबसे पहले तो मैं ये जानवरों का जो मसला है ये मुझे लग रहा है लखनपुर से लेकर जम्मू तक, मैंने हाईवे पर जब भी हम विजिट करते हैं या जाते हैं यहाँ के पीछे, तो मैक्सिमम जानवर जो है वो सड़कों पर ही पाए जाते हैं और जानवरों के कारण ही मैक्सिमम जो एक्सीडेंट के जो कारण होते हैं वो जानवरों के कारण ही होते हैं। जानवर को क्या मालूम कि कहाँ चलना है कहाँ नहीं चलना, हो सकता है कोई हॉर्न की आवाज़ सुन के वो सड़क की तरफ बीचों बीच आ जाए। और हमने अपने सांबा में भी ज़्यादा देखा है कि इसी कारणों से हमारे काफ़ी दुर्घटना हुई हैं, काफ़ी लड़कों के साथ ये मिसहैपनिंग भी हुई है ये जानवरों के कारण ही। पर मैं चाहता हूँ कि जिनके ये जानवर हैं वो कम से कम पहले तो उनका एक अपने एक अच्छे नागरिक के होने के नाते बनता है कि अपने जानवरों को अगर आप रखा है तो अपने घर में रखें, अपने बाग बगीचे में रखें, इसको बाहर खुला ना छोड़ें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। अगर वो खुला छोड़ते हैं तो मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन नई कौंसिल भी बनी हुई है, मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम वो जो लोग हैं वो इन जानवरों को लेकर और जिनके जो मालिक हैं उनको कम से कम फाइन करें, अच्छा फाइन करें कि कम से कम एटलीस्ट दूसरी बार ये वो ये चीज़ ना करें। तो और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ सर आपको कि मैक्सिमम मैंने देखा है कि लिंक रोड में जो आवारा कुत्ते हैं वो इस कदर बढ़ते जा रहे हैं। हर जगह मैं दूसरे तीसरे दिन न्यूज़ में देखता हूँ कि कुत्ते ने छोटे बच्चों को काट खाया। अभी हमारे रामगढ़ का ही इंसिडेंट था, एक छोटा बच्चा था 12 साल का था, कुत्तों ने काटा और उसकी डेथ हो गई, किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। तो मैं नए जो कौंसल है हमारे कठुआ में, अपने जम्मू में, सांबा में, सबसे आगे विनती करता हूँ कम से कम फर्स्टली इन जो आवारा कुत्तों पर एक एक्शन लें, जितने भी आवारा कुत्तों हैं उनको जो पकड़ के कहीं ऐसे स्थान पर ले जाएं जबकि कोई किसी को प्रॉब्लम ना हो। चलिए, मैं एक बार फिर से आपको पैन करके दिखाऊंगा कि जो यहाँ पर जानवर हैं, आप पीछे देख सकें कि किस तरह से जानवर यहाँ पर बैठे हैं और गाड़ी कब यहाँ से क्रॉस होकर इसके साथ हिट कर जाए इसके लिए भगवान ही मालिक है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा क्योंकि मेन दुर्घटनाओं का कारण ये जानवर है। और जब आप सुबह इस नेशनल हाईवे पर आओगे या यहाँ से गुजरोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सीडेंट आपको दिखेंगे, यहाँ पर जानवर मरे हुए भी पाए जाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं रात को जो गाड़ियां तेज चलती है, ओवर स्पीड में चलती है, उनकी वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट का कारण बन जाते हैं ये पशु। और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, म्यूनसिपल कमेटी सांबा की बात करें तो अभी तक किसी भी तरह का कोई नेसेसरी एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन इस पर नेसेसरी एक्शन लेना कितना ज़रूरी है ये आप कैप्शन देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ज़रूरी है यहाँ से इनको शिफ्ट करना सेफर प्लेसेस पे, या जिस तरह से गाय वगैरह यहाँ पर होती है उसको यहाँ से किसी गौशाला में शिफ्ट करना कितना ज़रूरी है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक चुप बैठी हुई है और वेट कर रही है कि कितने ज़्यादा और यहाँ पर हादसे होंगे। तो ये थी हमारी अभी तक की एक स्पेशल रिपोर्ट स्ट्रे एनिमल्स को लेकर, यानी स्ट्रे एनिमल्स जो है वो आज की डेट में हाईवे पर मेन कारण है एक्सीडेंट का। तो हम अपील करते हैं JK मीडिया के माध्यम से कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कोई कड़ा संज्ञान ले और इनको जल्दी यहाँ से शिफ्ट करें किसी सेफर प्लेसेस पे। एक बार फिर से मैं घुमाऊँ तो कैमरा तो आपको दिखेंगे, यहाँ पर स्ट्रे एनिमल बिल्कुल सड़क के बीचों बीच, ये मेन चौक है सांबा का
और आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ चारों तरफ कहीं भी नजर घुमा के देखो तो आपको यहाँ पर स्ट्रे एनिमल्स दिखेंगे सड़क के बीचों बीच। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस पर कोई कड़ा संज्ञान जल्द लिया जाए। तो फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।